दौरान देश की सर्वोच्च प्राथमिकता रही ऐसी स्थिति न आए कि किसी गरीब के घर में चूल्हा न जले। केंद्र सरकार हो, राज्य सरकारें हो, सिविल सोसाइटी के लोग हों, सभी ने पूरा प्रयास किया कि इतने बड़े देश में हमारा कोई गरीब भाई बहन भूखा न सोए। देश हो या व्यक्ति, समय पर फैसले लेने से, संवेदनशीलता से फैसले लेने से किसी भी संकट का मुकाबला करने की शक्ति अनेक गुना बढ़ जाती है। इसलिए लॉकडाउन होते ही सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लेकर आई। इस योजना के तहत गरीबों के लिए 2.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया। साथियों, बीते 3 महीनों में 20 करोड़ गरीब परिवारों के जनधन खातों में सीधे 31,000 करोड़ रुपया जमा करवाए गए हैं। इस दौरान 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में 18,000 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। इसके साथ ही गांवों में श्रमिकों को रोजगार देने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान तेज गति से आरंभ कर दिया गया है। इस पर सरकार 50,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। लेकिन साथियों, एक और बड़ी बात है जिसने दुनिया को भी हैरान किया है, आश्चर्य में डुबो दिया है, वो ये कि कोरोना से लड़ते हुए भारत में 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को 3 महीने का राशन यानी परिवार के हर सदस्य को 5 किलो गेहूं या चावल मुफ्त दिया गया। इसके अतिरिक्त प्रति परिवार हर महीने 1 किलो दाल भी मुफ्त दी गई। यानी एक तरह से देखे तो अमेरिका की कुल जनसंख्या से 2.5 गुना अधिक लोगों को, ब्रिटेन की जनसंख्या से 12 गुना अधिक लोगों को और यूरोपियन यूनियन की आबादी से लगभग 2 गुने से ज्यादा लोगों को हमारी सरकार ने मुफ्त अनाज दिया है। साथियों, आज मैं इसी से जुड़ी एक महत्वपूर्ण घोषणा करने जा रहा हूं। साथियों, हमारे यहां वर्षा ऋतु के दौरान और उसके बाद मुख्य तौर पर कृषि क्षेत्र में, एग्रीकल्चर सेक्टर में ही ज्यादा काम होता है। अन्य दूसरे सेक्टरों में थोड़ी सुस्ती रहती है। जुलाई से धीरे धीरे त्योहारों का भी माहौल बनने लगता है। अब आप देखिए, अभी 5 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है, फिर सावन शुरू हो रहा है, फिर 15 अगस्त आएगी, रक्षाबंधन आएगा, कृष्णा जन्माष्टमी आएगी, गणेश चतुर्थी आएगी, ओणम होगा और आगे जाएं तो काटी बिहू है, नवरात्रि है, दुर्गा पूजा है,
दशहरा है, दीपावली है, छठी मैया की पूजा है, त्योहारों का